हमारे बीच में एक मुस्लिम समाज से सामाजिक एक दायरा रखने वाले हमारे बीच में आई, हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और उनका क्या मानना है आप सुन सकेंगे? सुन सकेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में आज से नहीं, हजारों साल पहले से एक नजरिया पनप रहा है और वो नजरिया है छूत छात का, वो नजरिया है ना बराबरी का, वो नजरिया है इंसानियत को कुचलने का। अब आप अंदाजा कीजिए, किसी भी धर्म के अंदर अगर कोई ये कहता है कि रामायण का एक लफ्ज किसी शूद्र के कान में चला जाए तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दो। अगर कोई शख्स किसी आला जात के हिंदू की, हिंदू ही, मुसलमान की बात छोड़ दो, हिंदू की कुर्सी पर बैठ जाए तो जितना हिस्सा उसकी कुर्सी पर बैठने वाला है उसका गोश्त उतार दो। किसी के जुबान से अगर रामायण का एक लफ्ज निकल जाए तो लोहे की रॉड लाल कर उसके हलक के अंदर डालो। आज वो नजरिया हिंदुस्तान के अंदर पनप रहा है। अब तक वो नजरिया था जो नजरिया इंसाफ को मानकर आगे बढ़ता था, अब तक वो नजरिया था जो इंसानियत को मानकर आगे बढ़ रहा था, अब तक वो नजरिया था जो कानून की बालादस्ती को मानकर आगे बढ़ रहा था। आज वो नजरिया हिंदुस्तान पर बैठा हुआ है जो ना इंसानियत को मानता है, जो ना अखलाक को मानता है, जो ना दस्तूर को मानता है। वो मानता है तो गोलवालकर की बंच ऑफ कार्ड और सिर्फ रामायण को मानता है। जीजान मोहतरम, आज बिल्कुल साफ है कि ये नजरिया जो पनप रहा है, मैं तो जब मुसलमानों में जाता हूँ तो उनसे भी यही कहता हूँ, और आज हमारे यहाँ इत्तेफाक से मुसलमान भाई नहीं है, ये दलित हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने कदम नहीं उठाया अपने हिफाजत के लिए, अगर आपने अपनी बका का कदम नहीं उठाया तो फिर समझ लीजिए, फिर वो दौर अनकरीब बहुत जल्द आएगा। अगर ब्राह्मण की कुर्सी पर बैठोगे तो गोश्त उतर जाएगा, और अगर आप रामायण का एक लफ्ज सुनोगे तो कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। वो दौर बहुत जल्द आने वाला है। और रहा मुसलमानों का सवाल, मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी कान खोल कर सुन लें, हम डरने वाले नहीं हैं, हम वो हैं जो इनकलाब लाते हैं, हम वो हैं अगर अमरीका की आंखों में आंखें डाल सकते हैं, हम वो हैं अगर अमेरिका के जबड़े में हाथ डालकर जुबान बाहर निकाल सकते हैं, तो हम नरेंद्र मोदी की औकात नहीं समझते, नरेंद्र मोदी को इस लायक नहीं समझते कि वो मुसलमानों को कुचल दे। हाँ, बेइज्जत जरूर कर रहे हैं, हाँ तकलीफ जरूर पहुंचा रहे हैं, हाँ ये है कि कहीं गौ के नाम पर, कहीं जुबान के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर वो मुसलमानों को जलील कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। और फिर सिर्फ मुसलमानों को नहीं, आज तो वो जो उनके खिलाफ सिर्फ आवाज उठाए, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, कारोबार से उठता हो, जो आवाज नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठती है वो उसको कुचलने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं आज हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद आवाम से अपील करना चाहता हूँ, अगर आप अपनी बका चाहते हैं, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारे पिटने वाले एक जगह जमा हो जाएं और नरेंद्र मोदी से कह दें, डंके की चोट कह दें, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, देखते हैं जोर कितना नरेंद्र मोदी के हाथों के अंदर है, उनके इख्तदार के अंदर है। नरेंद्र मोदी जानते नहीं जमहूरियत क्या चीज़ होती है। अजीजाने मोहतरम, जमहूरियत एक हिंडोला होती है। आज नरेंद्र मोदी का डोला ऊपर है, कल दूसरों का डोला ऊपर था, नरेंद्र मोदी ऊपर वाले डोले पर बैठकर नीचे वालों पर थूक रहे हैं। अजीजाने मोहतरम, जब ये नीचे वाले का डोला ऊपर आएगा, नरेंद्र मोदी को समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की ये जमहूरियत नीचे वाले डोले को जब ऊपर लाएगी तो क्या होगा। मैं अजीजाने मोहतरम बिल्कुल सफाई के साथ कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो मुसलमानों को नहीं मार रहे, वो दलितों को नहीं मार रहे,
वो सहाफियों को नहीं मार रहे हैं, वो हिंदुस्तान के दस्तूर को मार रहे हैं, वो हिंदुस्तान की रूह को मार रहे हैं, वो हिंदुस्तान की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, इस पर गोलियां चला रहे हैं। और फिर उन लोगों की हिमायत करना जो लोग कहते थे कि अगर कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलेगा वो ट्वीट करके गालियां देते हैं, वो महिला को गालियां देते हैं, वो बच्चों को गालियां देते हैं, वो अपने मुखालिफिन को गालियां देते हैं और नरेंद्र मोदी उनको फॉलो करते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ फॉलो नहीं करते, नरेंद्र मोदी उनकी हिमायत कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं तुम मारो लोगों को, गालियां दो लोगों को, मैं तुम्हारे साथ। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, हम तमाम गरीबों को, तमाम पिछड़े लोगों को, तमाम पिटने वालों को एक जगह जमा हो जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हो जाएं, फिर देखते हैं किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो इन दलितों को हाथ लगा ले, इन मुसलमानों को हाथ लगा दे, इन मीडिया वालों को हाथ लगा दे। किसी की माँ ने जन्म नहीं दिया जो इनको हाथ लगा ले। अज़ीज़ाने मोहतरम, यही बात है, हम मुंतशिर हैं इसलिए मार रहे हैं, हम मुंतशिर हैं इसलिए पिट रहे हैं। हम अगर इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ एक जगह जमा हो जाएं, फिर कोई नहीं मार सकता, किसी में ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान को मार दे। क्यों? जब हम इकट्ठे होते हैं तो हिंदुस्तान होता, जब हम जमा होते हैं तो भारत बनता है, जब हम जमा होते हैं तो हिंदुस्तान के परचम को बुलंद करने वाली ताकत बनते हैं। वही तो हाथ होंगे जो परचम को बुलंद करेंगे। ये बात नरेंद्र मोदी की समझ में नहीं आ रही कि जब ये लोग नहीं होंगे तो परचम कहाँ बुलंद होगा, जब ये लोग नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा, जब ये लोग नहीं होंगे तो पार्लियामेंट में कौन बैठेगा। नरेंद्र मोदी की नानी के घर में नहीं बैठेंगे ये लोग, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठेंगे। नरेंद्र मोदी की ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो जानते नहीं इन कॉलेज के लोगों को बदनाम करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, भारत माता की टुकड़े करने के नारे लग रहे थे। मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ ये नरेंद्र मोदी के ही लोग थे, ये बीवीपी के ही लोग थे जो जेएनयू में खड़े होकर नारे लगाते हैं और बदनाम करते हैं उन वहाँ के गरीब स्टूडेंट्स को, बदनाम करते हैं वहाँ के तलबा को, बदनाम करते हैं वहाँ के पढ़ने वाले उन मासूम बेगुनाह नौजवानों को जो हिंदुस्तान की वफादारी के लिए अपना सर कलम कराना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की ये बीवीपी वहाँ जाकर बदनाम करती है नारे लगाकर, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कहते हैं अगर मुसलमान, कोई मुसलमान किसी हिंदू की लड़की को लेकर भाग जाए तो फसाद, कोई मुसलमान नौजवान किसी हिंदू लड़की के साथ घूमे तो फसाद। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, आज तक भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े लीडर हुए हैं सबकी वाइफ हिंदू थी, आज भी जितने बड़े लीडर हैं, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, जितने हैं सबकी वाइफ गैर मुस्लिम है, हिंदू हैं। और अजीब बात है, अपर कास्ट की बीवियां हैं, सिकंदर बख्त की बीवी भी शर्मा थी और आरिफ बेग की बीवी भी। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर मुसलमान बेटी आपके लिए जाए वो इतना बुरा है तो फिर इनको क्यों रखा है? इनको भी मारो, इनको भी पार्टी से निकालो। नहीं निकाल सकते क्योंकि इन्हें हिंदू लड़कियों से हमदर्दी नहीं है, इन्हें इख्तदार से हमदर्दी है। ये मारते इसलिए हैं, इन्हें इख्तदार चाहिए। ये हमारे भोले भाले हिंदू भाइयों को बहका कर, उन्हें उनके जज्बात को बहका कर, अज़ीज़ाने मोहतरम ये अपने इख्तदार की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। इन्हें कोई हमदर्दी नहीं, ना इन्हें औरत से हमदर्दी है, ना इन्हें हिंदू धर्म से हमदर्दी है, ना इन्हें गाय से हमदर्दी है। अगर गाय से हमदर्दी होती, सैकड़ों गायें पिछले दो महीने के अंदर इन्हीं की सरकार के गौशालाओं के अंदर मर गई, सैकड़ों एक एक गौशाला के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो या यूपी हो या बिहार हो। लेकिन
नरेंद्र मोदी ने उन्हें दवाएं नहीं दी, उनके खाने के लिए नहीं भेजा, ना अमित शाह ने भेजा, ना आरएसएस के मोहन भागवत ने भेजा। वो मर मर तड़प तड़प कर दम तोड़ती रही, ये एयर कंडीशन कोठियों में बैठे हुए कहे लगा रहे थे, अरे जब माएं मर रही थी तुम्हारी, वहां जाकर सेवा करते, दवा देते, जख्मों का इलाज करते, उन्हें खाने के लिए देते तो समझ में आता। हाँ, आप गौ माता की इज्जत करते हो, उन पर जान देने वाले हो, आप उन पर जान देने वाले नहीं, उनके जान लेने वाले हो और उनकी जान पर उनके नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाने वाले हो। अजीजाने मोहतरम, आज बिल्कुल हालात ये हैं, आज बिल्कुल हालात ये हैं कि ये हिंदू धर्म से कोई प्यार नहीं करते। अगर ये हिंदू धर्म से प्यार करने वाले होते तो हिंदू ही तो हैं दलित, हिंदू ही तो थे ये सारे सहाबी जिन्हें मारा है, हिंदू ही तो थे वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया था। आज जब 50-60 साल तक एक ही बात कहते रहे, इन्होंने बाबा साहब को गालियां दी, और ये जब बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री बने, हर रक्षा वाले को ये आरएसएस के लोग कहते थे, आ भाई रक्षा मंत्री हौस काजी चलेगा, आ भाई रक्षा मंत्री फतेहपुरी चलेगा, आ भाई रक्षा मंत्री जामे मस्जिद चलेगा, इस तरह मजाक उड़ाया है इन्होंने दलित लीडरों का। मुझे मालूम है काशीराम जी ने किस तरह मेहनत कर कर इस तहरीक को खड़ा किया था। आज नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री है, वो कोई गवाह नहीं दे सकते, लेकिन काशीराम का मैं गवाह हूँ। काशीराम जी जब मुझे DS4 के लिए दावत देने के लिए आते थे, मेरे घर में बोरी बिछी हुई होती थी, वो उस पर पैर फैला कर बैठ जाते थे और मुझे DS4 के लिए दावत देते थे। ये होते हैं लीडर। जिदाने मोहतरम, चाय वाला लीडर बन जाए और वो ये कहें कि मैं चाय वाला था, मैं लीडर बन गया, 3.5 साल में एक गवाह पेश नहीं कर सके, लेकिन एक हिंदू लीडर का ये मुसलमान गवाही देता है कि जब काशीराम लीडर थे वो मेरे घर पर आते थे तो वो बोरी पर बैठते थे। नरेंद्र मोदी लाखों नहीं करोड़ों में नीलाम होने वाला सूट पहनते हैं और कहते हैं मैं चाय वाले का बेटा हूँ। जब थे, जब आप चाय बेचते थे, जब प्रधानमंत्री बने हैं, जब आप लाखों करोड़ों के मालिक थे, पहले मुख्यमंत्री थे, करोड़ों कमाए उसके बाद बने हैं। और जहाँ तक हमारे नोटबंदी का सवाल है तो एक मुख्यमंत्री इल्जाम लगाता है कि 8 लाख करोड़ का घोटाला है, लेकिन मैं मान लूं इसकी यकीनन तहकीक होनी चाहिए थी, इसके ऊपर कमीशन मुकर्रर होना चाहिए था, वो इंक्वायरी करता कि एक मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है या सच बोला। लेकिन सवाल ये, मैं मान भी लूं कि वो मुख्यमंत्री झूठा है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इससे इनकार कर सकेंगे कि इनके केराला यूनिट जाली नोट छाप रहा था। तो बिल्कुल साफ है कि ये पार्टी जाली नोट छापने वालों की पार्टी है। नरेंद्र मोदी किनके लोग हैं जो बच्चों की स्मगलिंग करते हैं? नरेंद्र मोदी किनके लीडर हैं जो लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं? नरेंद्र मोदी किनके लीडर हैं जो जाली नोट छाप कर देश से गद्दारी करते हैं, देश की मईशत को बर्बाद कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी उनके लीडर हैं, देशभक्तों के लीडर नहीं है। देशभक्त अगर उन्हें देखे हैं, दलित के झोपड़े में जाकर देखे, आए मेरे मोहल्ले में, मैं बताऊंगा नरेंद्र मोदी को देशभक्ति क्या चीज होती है। सर, आवाम से आपकी क्या अपील है? आवाम से आप अपनी अपील करें। मैं आवाम से तो एक ही अपील करूंगा कि आज तक दुनिया में पिटने वाले मुत्तहिद हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मारने वाले मुत्तहिद हो रहे हैं। मैं आवाम से अपील करूंगा, तमाम पिटने वाले चाहे वो मेरे मीडिया के भाई हैं, तमाम गालियां खाने वाले चाहे वो मीडिया के भाई हैं, तमाम वो मुसलमान जो पिट रहे हैं, जो लूट रहे हैं, जो बेइज्जत हो रहे हैं, तमाम वो दलित, तमाम वो जैनी, तमाम वो बुद्धिस्ट, तमाम वो काइस्ट, तमाम वो सिख, तमाम ईसाई,
एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और 2019 में नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दें और दुनिया को दिखा दें, दुनिया कहे भाजपा का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले भाजपा के जनाजे को 2019 में धूम के साथ निकालो और मजलूमों को, गरीबों को, जो असल पार्लियामेंट में बैठने के हकदार हैं, उनको ले जाकर बिठा दो। यही हिंदुस्तान की खिदमत होगी, यही हिंदुस्तान से वफादारी होगी, यही गरीबों की खिदमत है। अजीजान मोहतरम, हिंदुस्तान बाकी रहेगा, दस्तूर बाकी रहेगा, पार्लियामेंट बाकी रहेगी, अदालतें बाकी रहेंगी, हम सब जिंदा रहेंगे। और अगर ये खत्म हो गए तो हम जिंदा रहते हुए भी मुर्दा लाश बन जाएंगे। आवाम से अपील है कि जिंदा रहना है तो मेरे कारमा बनकर रहो, इस जमी की बस्तियों पर आसमा बनकर रहो। शुक्रिया, खुदा हाफिज।